in this case, the current established is given by half Li square, where L is self-inductance. तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस ज्यादा उससे क्या फायदा है, बताओ बच्चा बताओ, किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस ज्यादा उससे क्या फायदा है, क्या फायदा है बोलो, अरे बोलोगे भाई नहीं बोलोगे, और वो तो बस ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा वही, जैसे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा हो तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा, ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा, ठीक उसी तरीके से। तो ये हमें पता चलता है कि कोई कंडक्टर है उसका कंडक्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएगा। तो अच्छो अब हम आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे और ट्राई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर बिल्कुल अब खत्म होने वाला ही है। क्या हमने एसी जनरेटर पढ़ लिया क्या अभी? नहीं पर नहीं पढ़ा, एसी जनरेटर पढ़ा है बच्चों हमने? हेलो तो बच्चा बताएगा भाई हमें कुछ, क्या हमने जनरेटर पढ़ा बच्चों भी? कोई बच्चा बताएगा भाई क्या हो गया बच्चों, आजकल बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया लगा। जनरेटर का सर शायद ऊपर बताया होगा आपने सर, एक बार छोटा सा, छोटा सा नहीं पूरा बताया होगा, बताया होगा तो, वरना नहीं बताया होगा, लगता नहीं पढ़ाया मुझे लग रहा है। अच्छा जी बता रहे थे आप सर, बताया था कि इसमें इसका यूज होता है, एसी जनरेटर में काम आता है इसका सर, ऐसे ताकि छोड़ दे शायद। पढ़ लो बच्चों यार थोड़ा अच्छे से, पता नहीं आजकल क्या हो गया बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही लूज हो गया है। ये एक्सप्रेशन पढ़ाया नहीं, ये तो एसी का है। ये एक्सप्रेशन पढ़ाया था हमने क्या नीचे एसी जनरेटर का? नहीं नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ाया, चलो अच्छा आगे बढ़ते सर। नवाब पढ़ा दिया, नवाब, नवाब पढ़ा दिया ना? हाँ सर पढ़ा दिया अपने नवाब। हाँ तो बस वही तो था। हाँ जी तो हम आते हैं इंडक्टर पे आते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा यार, कुछ एनसीईआरटी भी प्रीवियस ईयर होते चल।
खोल रहे बच्चों, एक मिनट बस लोड होने में टाइम लगेगा। तो चुप करो, ये करो 60। हेलो 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 हुआ हुआ बच्चों, हेलो शाबाश बच्चे शाबाश। पहले का कैसे करेंगे? पहले का कैसे करेंगे? पहले का ऐसे करेंगे P1 इज इक्वल टू माइनस एल डीआई बाई डीटी। दूसरे का कैसे करेंगे? पहले का ये हो जाएगा। कोई डाउट? बोलो भाई बोलो। अरे कोई बोलेगा ही नहीं। नहीं सर। किया? हेलो। हाँ सर। लिख लो अच्छे क्वेश्चन, एक काम करो, चलो नहीं करो, देख लिखते आओ क्या क्या दे रहा हूँ मैं। दो एक ये करना है, क्या हो रहा है ये, ऊपर नीचे की भाग जा रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, ये ट्राई करना है। एक काम करो, कुछ नहीं सीखो,
हैंग हो गया अच्छा आज ही लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। चलो अच्छा एक बात एक तब तक एक चीज बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और करंट का ग्राफ कैसा आएगा इंडक्टर की केस में? सर पैराबोलिक टाइप का कुछ। अच्छा भाई बच्चे पैराबोलिक टाइप का आएगा ऐसा। वेब पेज रिकवर नहीं कर पा रहे बच्चे, आफत आ रही है कुछ इसमें, दोबारा से डालना पड़ेगा लग रहा है लिंक। और भी चलो चलो मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ, यहाँ छोड़ो कुछ क्वेश्चन देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है चलो ये बताओ अच्छे, जैसे कि ग्राफ होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड का, ठीक है दिख रहा है बच्चों, ये मतलब ये एक रिलेशन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ईएमएफ इंड्यूस और डीआई बाय डीटी का ग्राफ कैसे आएगा? कैसा आएगा? लीनियर आएगा सर, लीनियर कांस्टेंट आएगा, लीनियर आएगा, क्या आएगा? किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा ये ग्राफ, ई और डी आई बाई डी टी का ग्राफ किस फैक्टर फैक्टर कैसा दिखेगा? अब ये डिपेंड करेगा करंट पे, अगर करंट कांस्टेंट है फिर कैसा ग्राफ होगा? बोलो भाई बोलो, अगर करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ऐसे आएगा। अगर करंट यूनिफॉर्मली वेरिंग है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म रेट से वेरी कर रहा है, तो जैसे कि प्रॉपर वेरिएशन कर रहा है तो फिर इसका ग्राफ ऐसे आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये समझे नहीं समझे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही पहले बताओ। हेलो 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 यस सर, ये बात समझ में आई या नहीं आई जो मैंने बताया अभी आपको? कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म वेरिंग है। देखो अच्छे मेरी बात समझो, जैसे बैक ईएमएफ कब होता है? जब कभी करंट में, जब कभी सर्किट में करंट चेंज हो। तो एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सुनना है आपको। जैसे मान लो हमारा एक सर्किट है और इसमें करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट फिक्स्ड है, आई फिक्स्ड है, तो क्या यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? क्या कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? फिक्स करंट है, कांस्टेंट करंट है, कुछ अब कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर? बोलो सर। नहीं, बिकॉज़ आई इज फिक्स्ड देन डीआई बाय डीटी इज जीरो, जीरो डीआई बाय डीटी इज जीरो, देन दिस विल बी आल्सो ईएमएफ इज जीरो, जीरो। एंड इफ देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड देन देन there will be no back EMF and no induction, मतलब induction नहीं होगा तो graph भी क्या रहेगा? zero ही रहेगा।
अब अगर करंट यूनिफॉर्म रेट से वेरी कर रहा है तो ग्राफ ऐसा आएगा, डिपेंड करता है वेरिएशन ऑफ करंट। चलो अच्छे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको ट्राई करना जरूरी, अब नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट जगाओ यार, आजकल बच्चों का इंटरेस्ट कम रह गया है पढ़ाई वढ़ाई में, तो इंटरेस्ट उंटरेस्ट जगाओ, अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करो, कोविड इंटरेस्ट खा गया बच्चों का। कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ये करना है आपको 6.8 and 9, ये करना है कुछ ना क्या। वैसे इनमें से एक तो मैंने आपको दे दिया था, और क्या करने देते हैं? सिक्स पॉइंट वन फाइव ट्राई करना, चलो जितना ट्राई करना, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों? हेलो ओके सर। अच्छा सुनो बच्चों, एक चीज़ बस बोलनी है कि